वेलकम टू माय चैनल, मेरे चैनल शिखास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूं, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ कि हम एक साथ चावल और दाल कुकर में किस तरह से बनाएं। यदि आपके पास कुकर के डिब्बे हैं तब तो बहुत अच्छा है, पर मान लीजिए आपके पास कुकर के अलग अलग डब्बे नहीं हैं, तब हम चावल दाल को एक साथ कुकर में किस तरह से रखें। खासकर जो बैचलर हैं या बिगनर्स हैं और जिनके पास बहुत कम टाइम रहता है खाना बनाने का, उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है। तो सबसे पहले कुकर में मैंने दाल ली है एक बड़ा कटोरा भरकर, और जिसे हम दो बार साफ पानी से धो लेंगे। चावल भी मैंने यहाँ एक बड़े कटोरी लिया है, चावल को भी हम दो बार बिल्कुल साफ पानी से धो लेंगे ताकि इन दोनों अनाज में जो भी पाउडर लगा रहता है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो अब आप देख सकते हैं दोनों अनाज को मैंने अलग अलग दो बार बिल्कुल साफ पानी से धो लिया है, और कम से कम 10 मिनट तक आपको इसे पानी में भिगाकर रखना है। जब हम अनाज को पानी में भिगाकर रखते हैं, चाहे चावल हो चाहे दाल हो, तो उसे पकने में बहुत कम टाइम लगता है। दाल में मैंने एक बड़े चम्मच नमक डाल दिया है और चावल में भी मैंने एक चम्मच नमक डाला है, और दाल में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी और हींग। अरहर की दाल में हींग डालना बिल्कुल ना भूलें, हींग से दाल का स्वाद तो बढ़ता है साथ ही डाइजेशन में भी अच्छी होती है। यदि कुकर के डब्बे हैं तब तो बहुत बढ़िया दोस्तों, नहीं तो कई बार मैं इसी तरह से ही दाल चावल बनाती हूँ, बहुत ही जल्दी बनता है। तो नीचे दाल रखी क्योंकि दाल को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है चावल के कंपैरिजन में, तो इसलिए दाल को नीचे डायरेक्ट कुकर पर रखा है, ऊपर मैंने चावल का बर्तन रख दिया है। बस अब इसे हम गैस के ऊपर रखेंगे, 3 सीटी बजा लेंगे। तब तक के हम दाल के बघार की तैयारी करते हैं। एक प्याज काट के रखा है, 2 टमाटर रखे हैं, साथ ही अदरक का टुकड़ा रखा है। अब आप देख सकते हैं कुकर में 3 सीटी पूरी हो चुकी है, और अब मैं आपको कुकर को खोल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए 3 सीटी में अरहर की दाल आसानी से पक जाती है, और चावल भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पक गया है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, बहुत ही हेल्दी तरीके से हम इस खाने को बना रहे हैं। आप दाल देख सकते हैं, 3 सीटी में दाल हमारी तो खैर वैसे भी पक जाती है, और वैसे भी हमें पॉलिश वाली दाल नहीं लेना चाहिए, उसे पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा वो हेल्दी भी नहीं होती है। और चावल के कण आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले हमारे चावल बने हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको इसे सर्व करके भी दिखाऊंगी, और अब हम दाल के बघार की तैयारी भी कर लेते हैं। तो चावल दाल बनाने का ये तरीका बहुत ही अच्छा है, और इसे पकने में मात्र 10 मिनट का टाइम लगा। 10 मिनट में मैंने चावल दाल तैयार कर लिया, बस वही कुकर लिया है, दाल को मैंने स्टील के बर्तन में खाली कर लिया है, और उस कुकर में मैंने 1 चम्मच घी डाला है, आधी चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, और अब इसमें हम डालेंगे लंबे कटे हुए प्याज। और साथ ही मैंने 2-1 सूखी लाल मिर्च ली है जिसे मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है, और प्याज डालकर अच्छा बढ़िया हम इसे गुलाबी कर लेंगे। तो बहुत ही झटपट खाना तैयार होता है, बहुत ही हेल्दी तरीके से, और बहुत ही कम समय में तैयार होता है। कई बार हमारे पास टाइम नहीं रहता, और जो कई वर्किंग रहते हैं उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कि खाना बनाने में समय इतना समय निकाल पाएँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। टेस्टी भी खाना बनेगा और साथ ही साथ हेल्दी भी खाना बनेगा। तो प्याज हल्के गुलाबी हुए, मैंने इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, और ये हमारे दाल का बघार करीब करीब तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही टमाटर पका, मैंने इसमें बस उबली हुई दाल को डाल दिया है। तो कई बार दोस्तों आप सिर्फ दाल चावल भी खा सकते हैं अगर जल्दी में है तो ये दाल चावल बनाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर ही मैंने दाल चावल तैयार कर लिया है। जैसे ही दाल में उबाल आया, मैंने इसमें आधा नींबू का रस डाल दिया है और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया भी डाला है। तो बस अब हम गैस को बंद करते हैं, और गर्मा गर्म आपको चावल दाल को मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, दाल को मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखी क्योंकि चावल के साथ थोड़ी सी पतली दाल ही अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं जितनी सुंदर दिखने में दाल लग रही है, उतनी ही खाने में भी हेल्दी भी है और टेस्टी भी है।
तो ये मैंने आपको दाल को सर्व करके दिखाया। अब मैं आपको चावल को भी निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कुकर में हमने दाल चावल को बिल्कुल एक साथ ही बनाया है, बिना किसी सेपरेटर के, बिना किसी कुकर के डब्बे के, साधारण से एक स्टील के बर्तन में मैंने चावल रख के आपको बनाकर दिखाया है। बस चावल को ढाक कर रखें, एक किसी भी ढक्कन से कवर करके ज़रूर रखें ताकि दाल का पानी चावल में जाने ना पाए। बिल्कुल खिले खिले हमारे चावल बने हैं, एक एक दाने बिल्कुल अलग अलग बने हैं। और बस इसमें हम डालेंगे गरम गरम चावल में एक चम्मच देसी घी। तो ये हमारा गर्मा गर्म दाल चावल बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस ट्रिक को जरूर अपनाएं दोस्तों, समय की भी बचत होगी, गैस की भी और मेहनत की भी बचत। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।